नमस्कार, मैं गौरी कृष्णा एस। आज मैं आपके सामने एक लालची चिड़िया की कहानी सुनाना चाहते हैं। इस कहानी का नाम है लालची चिड़िया। तो सुनिए, एक बार पक्षियों के राजा अपने दाल के साथ भोजन की खोज में एक जंगल में गया। राजा ने आदेश दिया, जाओ और जाकर दाने और बीजें ढूंढो, मिली तो बताना, सब मिलकर खाएंगे। सभी पक्षी दानों की तलाश में निकल पड़े। उड़ते उड़ते एक चिड़िया उस सड़क पर आ गई जहाँ से गाड़ियों में लदकर अनाज जाता था। उसने सड़क पर अनाज बिखरा देखा। उसने सोचा कि वह राजा को इस जगह के बारे में कुछ नहीं बताएगी, पर किसी और चिड़िया इधर आकर यह अनाज देख लिया तो ठीक है, बता भी दूंगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगी। वह वापस अपने राजा के पास पहुँच गई। उसने वहां जाकर बताया कि राजमार्ग पर अनाज के ढेरों दाने पड़े हैं, लेकिन वहां कतरा बहुत है। तब राजा ने कहा कि कोई भी वहां ना जाए। इस तरह सब पक्षियों ने राजा की बात मान ली। वह चिड़िया चुपचाप अकेले ही राजमार्ग की ओर उठ चली और जाकर दाना चुगने लगी। अभी कुछ ही देर बीती कि इसने देखा एक गाड़ी तेजी से आ रही थी। चिड़िया ने सोचा, गाड़ी तो अभी दूर है, क्यों ना मैं दो चार दाने मोर चुग लूं। देखते देखते गाड़ी चिड़िया के ऊपर से गुजर गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उधर शाम को राजा ने देखा कि वह चिड़िया नहीं आई है, तो उसने सैनिकों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। वे सब ढूंढते ढूंढते राजमार्ग पर पहुंच गए। वहां देखा तो वह चिड़िया मरी पड़ी थी। राजा ने कहा, इसने हम सबको तो मना किया था, किंतु लालचवश वह अपने आप को नहीं रोक पाई और प्राणों से हाथ धो बैठी। तो कहानी कैसे लगी? अच्छा है ना? तो इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? हमें लालच से बचकर रहना चाहिए। लालच बुरी बात है। धन्यवाद।